हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा। वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। और आज के वीडियो में हम बनाएंगे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स वाले अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स की चटनी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें हम फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट कर लेंगे। तो फ्लैक्स सीड्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि वो चटकने ना लग जाए और उससे हल्का हल्का सौंधा सा खुशबू ना आने लग जाए। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसको रोस्ट करिए। फ्लैक्स सीड्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, ये एक सुपर फूड है। तो फिर आप इसको अगर अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो जैसे कि फ्लैक्स सीड्स चटकने लग जाए, ये रोस्ट हो जाएगा। देखिए कि इस तरीके से सीड्स जो है वो चटकने लग गए हैं, यानी कि स्प्लटर कर रहे हैं, यानी कि फ्लैक्स सीड्स जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे फ्लैक्स सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और ये रोस्ट होने के बाद हल्का हल्का शाइनी भी हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा जब ये रोस्ट हो जाएंगे। तो हमारे जब फ्लैक्स सीड्स रोस्ट हो जाए, इसको हम साइड करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब उसी पैन में हम लेंगे जीरा, सफ़ेद तिल और कुछ सूखी लाल मिर्च, और इन सब चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये जो चटनी आज हम बनाने वाले हैं, ये ड्राई चटनी है, इसमें पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। तो जीरा और लाल मिर्च और जो हमारे तिल है वो रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो सब सामान जब ठंडे हो जाए तो उसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और इसको हम पीस लेंगे। और देखिए, ये जब अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो इस तरीके का पाउडर जैसा दिखेगा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से ही स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर आप इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं हो तो आप इस चटनी को बिना गार्लिक के भी बना सकते हैं। और देखिए, हमारी जो ड्राई चटनी है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी और गार्लिक की, लहसुन मिर्ची की, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे और इसको आप फ्रिज में रखकर 2 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको खाने के लिए आप रोटी, रायता या फिर इस तरीके से चावल के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। तो चावल के ऊपर हल्का सा आप घी डालिए और इस फ्लैक्स सीड चटनी का 1 भरकर चम्मच डालिए और आप इंजॉय कर सकते हैं इस टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस सा फ्लैक्स सीड का चटनी को किसी भी रेसिपी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।